नमस्कार मित्रों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करने के पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। किसी भी जीव के द्वारा अपने जैसी संतति को उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन भी क्या है, दो तरीके से होता है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन, ठीक है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है अलैंगिक जनन। अब हम बात करें अगर ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके से। एक ह्यूमन मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं और ह्यूमन का दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे जो ह्यूमंस में मेल्स के अंदर पाए जाते हैं वो स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो बॉडी के बाहर होता है और एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बॉडी के बाहर है, तो वो उसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे बाहर से हमको क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, तो जो बाहर की सबसे पहली चीज़ जो दिखाई देती है, ऑर्गन दिखाई देता है, वो क्या है, पेनिस। पेनिस क्या है, एक्सटर्नल मेल सेक्स ऑर्गन है और इसके ऊपर, पेनिस के ऊपर स्किन के फोल्ड होते हैं। तो अगर सरकमाइज्ड का मतलब होता है, सरकमाइज्ड मतलब रिमूव ऑल फोर स्किन, मतलब पेनिस के जो ऊपर की स्किन है अगर वो पूरी तरह से पेनिस से अलग है तो उसको हम कहते हैं सरकमाइज्ड, और अगर पेनिस के ऊपर स्किन का लेयर नहीं है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनसरकमाइज्ड कहते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर है बाहर से हमको दिखाई देता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है स्क्रोटम। और स्क्रोटम क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक है कंटेनिंग द टेस्टिकल्स, एक सैक है, सैक मतलब होता है थैली, थैली के आकार की संरचना होती है जिसमें क्या है, जिसके अंदर क्या मिलता है, टेस्टिस मिलता है। और टेस्टिस ही वो ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और ये बॉडी में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है। फिर अगर बात करें इंटरनल, ये थी आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अभी बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की या आंतरिक संरचना की, तो सबसे पहले हमको एक ऑर्गन मिलता है जिसको हम कहते हैं, एक ग्लैंड मिलती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक्जोक्राइन टाइप की ग्लैंड है, मतलब ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, इसमें जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली बॉडी के में ये क्या करती हैं, डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन इम्पॉर्टेंट जो है ग्लैंड्स है, ग्रंथि है, ठीक है। दूसरा जो मिलता है हमको, वाश डिफरेंस मिलता है। वाश डिफरेंस क्या है, एक ट्यूब है जो एक तरफ क्या है एपिडाइमिस से कनेक्ट होती है और दूसरी तरफ जो है इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू ओपन होती है। तीसरा जो ऑर्गन है एपिडाइमिस है, और एपिडाइमिस का कलेक्शन कहाँ, ऑर्गन वेन स्पर्म आर मैच्योर्ड, ठीक है। एपिडाइमिस वो ऑर्गन है जहाँ पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, मतलब वो परिपक्व होते हैं, ठीक है। तो स्पर्म बनता कहाँ है, तो वो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस वो ऑर्गन है मेल के अंदर दो की संख्या में है, राइट साइड राइट टेस्टिस और लेफ्ट साइड लेफ्ट टेस्टिस पाया जाता है, और इनका काम क्या है, ये मेल्स के अंदर क्या है, स्पर्म के प्रोडक्शन को, स्पर्म को कहते हैं शुक्राणु, तो ये शुक्राणु के प्रोडक्शन को या उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिस। और एक बार यहाँ प्रोडक्शन हो गया तो वो परिपक्व नहीं होते, परिपक्व होने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, आपके एपिडाइमिस में चले जाते हैं। और जो एक लास्ट ऑर्गन बचता है वो क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, ट्यूब दैट कनेक्ट टू ब्लडर आउटसाइड ऑफ द ब्लड। ये यूरेथ्रा क्या है, एक ऐसी ट्यूब है जो एक तरफ ब्लडर से कनेक्ट होती है और दूसरा बॉडी के बाहर यूरेथ्रा ओपन होता है, जिससे जिसके थ्रू हमारी बॉडी की जो यूरिन है वो या वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकलने का काम करते हैं, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। फिर एक काउपर्स ग्लैंड्स हैं, ये क्या करती है, सिक्रीट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स। तो काउपर्स ग्लैंड्स क्या हैं, छोटी छोटी मटर के आकार की ग्लैंड्स हैं, और ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, लुब्रिकेटिंग
फ्लूड का सिक्रीशन करती हैं, मतलब एक फ्लूड का सिक्रीशन करती हैं जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब भी कोई मेल पार्टनर किसी फीमेल पार्टनर के संपर्क में आता है तो ये अपना फ्लूड सिक्रीट करती हैं और ये ऑर्गन्स को, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको लुब्रिकेट करने का, चिकना बनाने का काम करती हैं ताकि वो डैमेज होने से बच सके। इसके बाद फाइनल एक है सेमाइनल वेस्किल, और सेमाइनल वेस्किल वो जगह है जो क्या करती है, सीमेन का प्रोडक्शन करती है। सीमेन को हम आम बोलचाल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वीर्य। और वीर्य का काम क्या होता है कि ये स्पर्म को अपने साथ मिक्स करके बॉडी से ट्रेवल कराने का काम, बाहर ले जाने का काम करता है। तो अगर पाथवे बात करें, एक रास्ता बात करें कि हमारी बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, वो कैसे ट्रेवल करता हुआ बॉडी से बाहर निकलता है, तो आइए देखते हैं पाथवे। तो पाथवे सबसे पहले टेस्टिस वो ऑर्गन है जहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद क्या है, वो जाते हैं इपिडाइमिस में। चूंकि टेस्टिस में जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उस वक्त वो क्या है, मैच्योर नहीं होते, परिपक्व नहीं होते, तो पर वहाँ से चल के कहाँ जाते हैं, इपिडाइमिस में। और इपिडाइमिस वो जगह है जहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, और इपिडाइमिस के थ्रू कहाँ जाते हैं, वाश डिफरेंस। वाश डिफरेंस क्या है, एक ट्यूब है, एक पाइप है जिसमें, जिसके थ्रू क्या है कि सारा का सारा सीमेन इपिडाइमिस से होता हुआ कहाँ चला जाता है, इजेकुलेटरी डक्ट में चला जाता है। और इस बीच में ही क्या है, सेमाइनल वेस्किल सीमेन का प्रोडक्शन करते हैं और ये सीमेन क्या है, स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू कहाँ चला जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में। और प्रोस्टेट ग्लैंड वो जगह है जहाँ पे क्या है, स्पर्म कलेक्ट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। बाद में ये यूरेथ्रा के थ्रू जब कभी कोई मेल किसी फीमेल के संपर्क में आता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, स्पर्म को वहाँ से रिलीज करती है। रिलीज करने के बाद ये यूरेथ्रा से होते हुए कहाँ, बॉडी से बाहर आ जाते हैं। और ये अगर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो ये मेल के अंदर से निकलकर, यूरेथ्रा से निकलकर फीमेल के जो है, फीमेल के जो है यूट्रस की तरफ या वेजाइना की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम की बात करें तो ये आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, रेक्टम हो गया, ये सेमाइनल वेस्किल्स, ये ब्लडर हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, साथ में इपिडाइमिस हो गया, ये टेस्टिस हो गए, और इसके जो बाहर की स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, स्क्रोटम कहलाती है, और साथ में पेनिस। तो इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट होता है। अब अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो उसको हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।